गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई। जी हाँ, कुछ ऐसा ही चैप्टर इस बार आपके लिए है, जिसका नाम है एन एपिटाफ, जो कि वाल्टर डेला मेयर का लिखा हुआ है। एन एपिटाफ का अर्थ ही होता है कब्रिस्तान या कब्र पे बने हुए पत्थरों के शिलालेख पे लिखी हुई बातें। तो एन एपिटाफ चैप्टर की समरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द पोएम एन एपिटाफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डेला मेयर। यह कविता एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखी गई है। वाल्टर डेला मेयर बिलोंग्ड टू 20th सेंचुरी और वाल्टर डेला मेयर साहब 20वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। उनका जन्म 1873 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। ही रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन 1953 और उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड क्वीन एलिजाबेथ से 1953 में प्राप्त किया था। ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि यही बातें आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगी और उस समय आपको जवाब देना रहेगा। तो ध्यान से समझिए इस चैप्टर को, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आसानी हो। ही वॉज अ पोएट, नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। वाल्टर डेला मेयर साहब एक कवि भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ही शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। उनका तरोताज़ा दिलचस्पी खास तौर से पुराने थीम्स पे रहती है। एन एपिटाफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल लेडी हु इज नो मोर। एन एपिटाफ कविता एक सुंदर महिला की व्याख्या करती है जो कि अब जीवित नहीं है। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री। और इस कविता में जिस लेडी की चर्चा की गई है वह पश्चिमी देशों से ताल्लुकात रखती है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम इज एम्बिगिटी। इस कविता में जो पोएटिक डिवाइस कवि ने यूज़ किया है वह एम्बिगिटी है। एम्बिगिटी का अर्थ होता है द्वि अर्थी, यानी दो अर्थ प्रकट करने वाला। द टोन ऑफ द पोएम इज मेलंकली। और इस कविता का जो टोन है वो मेलंकली है, यानी दुखदाई है। द टर्म क्रम्बल मीन्स टू डाई। और इस कविता ने में कवि ने क्रम्बल वर्ड का यूज़ किया है, जिसका अर्थ होता है डाई या डेथ, मृत्यु या मरना। ए ब्यूटीफुल लेडी लाइज इनसाइड अ ग्रेव एंड नो वन प्रेजेज हर नाउ। एक सुंदर महिला जो कि एक कब्र में के अंदर पड़ी हुई है और अब कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता है। बट वेन शी वॉज अलाइव एवरीबडी praised हर। लेकिन जब वह जीवित थी और सुंदर थी तो सभी उसकी प्रशंसा तारीफ किया करते थे। ही सेज नोबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी आर द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी। और आगे कवि कहते हैं कि नोबिलिटी यानी सच्चरित्रता और सिंप्लिसिटी सादगी सुंदरता के दो सद्गुण हैं। ही थिंक्स उन्हें लगता है वेन
ही डाइज हिज ब्यूटी विल वैनिश, और कवि को ऐसा लगता है कि जब वह भी मर जाएंगे तो उनकी सुंदरता गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ही एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी, और इस कविता में वह अपनी दुखी भावना को एक लेडी के लिए प्रकट करते हैं। इन फैक्ट दरअसल द पोएट इज़ फेमस फॉर चाइल्ड पोएम, और ख़ास तौर से कवि वाल्टर डेला मेयर बच्चों की कविताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, और जब वह मात्र 4 साल के ही थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। द पोएट थिंक्स दैट, आगे कवि को यह लगता है कि ब्यूटी इज नॉट ओवर लास्टिंग एंड आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हिम, कि सुंदरता कभी भी लंबे समय तक परमानेंट नहीं रहती है और जब कवि की भी मृत्यु हो जाएगी तो कोई भी उन्हें याद नहीं करेगा। तो इस कविता का सारांश अगर हम समझें तो ये बताया जा रहा है कि सुंदरता एक दिन ख़त्म हो जाती है, और जब ये एक बार ख़त्म हो जाती है तो कोई भी उसे नहीं पूछता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो ये इम्पॉर्टेंट समरी है एन एपिटेफ की, आप इसे बार बार 2-3 बार इस वीडियो को देखें और उसके बाद कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। तो कमेंट करके आप अपना सुझाव, अपने विचार और अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हर संभव प्रयास मैं करूंगा कि आपकी समस्या को दूर की जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।